फ्रेंड्स, मैं पूजा होमशा भवानी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम बना रहे हैं करेले, जो ये बहुत ही सुपर टेस्टी हैं और एकदम खाने में बिल्कुल भी कड़वे नहीं हैं। और इसमें हमने करेले की कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं की है, चाहे वो उसके छिलके हों या अंदर के बीज हों। हमने सभी चीज़ों को यूज़ करके ये भरवा करेले बनाए हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्रेस बेल आइकन के बटन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए हम भरवा करेले बनाने के लिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 पाव करेले लिए हैं 250 ग्राम, और मैंने यहाँ पर इनके दोनों साइड्स को ऐसे कट कर लिया है। और कट करने के बाद मैंने ये जिसे छिलका छीलते हैं इससे मैं छील रही हूँ। ये मैंने पहले ही छील लिए हैं, पर मैं आपको छील के दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसको इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथों से छीलना है, ऐसे ज़्यादा छिलका ना निकले, बस ऊपर ऊपर से हल्का हल्का सा ये निकल जाए। इससे जल्दी भी हो जाएगा और टाइम भी बच जाएगा। चाकू ये अगर ये ना हो तो आप इस चाकू से भी कर सकते हैं इसको इस तरीके से। इस तरीके से भी छील सकते हैं। चलिए, ये मैंने अपने सभी करेले इसी तरीके से छील लिए हैं। और अब हम इसमें बीच में चीरा लगाएंगे और अब हम इसमें एक चीरा लगाएंगे। चीरा लगाते समय ध्यान रखना कि यहाँ से दोनों साइड से करेले जॉइंट रहें, पूरे अच्छे से खुले नहीं। और फिर हम इसके अंदर के ऐसे ये जो बीज हैं इनको हम निकाल देंगे। और ये देखिए, ये हमारा पूरा करेला अच्छे से खाली हो गया मसाला भरने के लिए। और ये जो बीज है हम इनको भी नहीं फेंकेंगे और ना ही इसके इस छिलके को भी नहीं फेंकेंगे। दोनों चीज़ों को हम मसाले के लिए यूज़ करेंगे। और जो बीज ज़्यादा हार्ड हो उनको नहीं डालना है मसाले में, ये बिल्कुल सॉफ्ट है तो इनको हम मसाले में यूज़ करेंगे। हार्ड बीजों को आप साइड में निकाल दें। इस तरीके से हम सारे अपने करेलों को खाली कर लेते हैं। ये देखिए, हमने करेले अच्छे से चीरा लगा लिया और इनको अच्छे से खाली भी कर लिया है। और यहाँ पर जो मैंने करेले के बीच में से बीज निकाले हैं ये सारे कच्चे बीज हैं एकदम सॉफ्ट वाले, तो इनको मैं सभी को यूज़ करूँगी मसाले में। और ये भी मैं मसाले में यूज़ करूँगी। अभी मैं इसको साइड में रख देती हूँ। और इन करेले पे हम ऊपर से, क्योंकि हमने करेले छीलने से पहले ही वॉश कर लिए तो अभी हमें इसे वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इन्हीं सभी करेलों पर अच्छे से नमक लगा, थोड़ी सी हल्दी, ये हमने नमक और हल्दी अच्छे से अपने करेलों पे लगा दिए। इससे इसका कड़वापन जो होगा वो निकल जाएगा। और अब हम इसको लगभग आधे घंटे के लिए ढककर रख देते हैं। जो मैंने ये छिलके छीले थे ये लंबे लंबे, इनको मैं चाकू से ऐसे छोटा छोटा काट लेती हूँ। ये मैंने छिलकों को बारीक काट लिया है और अब मैं इसके बीजों को इमाम दस्ते में डालकर कूट लेती हूँ, बारीक बारीक दरदरा कर लूँगी जिससे मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारे जो करेले की सब्जी होती है इसके चाहे छिलके हो या बीज हो, ये इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है और इसमें बहुत ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए इसको कभी भी वेस्ट समझकर फेंकना नहीं चाहिए। इसको अपनी सब्जी में ज़रूर यूज़ करना चाहिए, चाहे आप किसी भी तरीके से यूज़ करो पर उसको यूज़ करना चाहिए। जो इसके बीज हैं अगर कच्चे उसको यूज़ करो, जो मोटे बीज होते हैं रेड कलर के होते हैं उसको निकाल दो, उसे सब्जी में मत यूज़ करो। ये मैंने बीजों को भी अच्छे से कूट लिया है इमाम दस्ते में। और अब हम इन दोनों में ही नमक और हल्दी थोड़ी थोड़ी सी डालेंगे।
और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे इनका कड़वापन निकल जाएगा और मसाले के अंदर एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसको अच्छे से नमक और हल्दी मिक्स करके लगभग आधे घंटे के लिए हम इसे भी रख देंगे। अगर हम इसको कम समय के लिए करेलों को या मसाले को नमक हल्दी मिक्स करके कम समय के लिए रखेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत कड़वापन रह जाएगा, इसलिए जितना हो सके करेलों में नमक और हल्दी डालकर कम से कम आधे घंटे के लिए तो रखें उसको, ताकि उसका कड़वापन थोड़ा निकल जाए, थोड़ा कम रहे या बिल्कुल भी नहीं रहता है। पर आप कोशिश करो कि थोड़ा उसका कड़वापन निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए नमक और हल्दी लगा कर रखो। ये देखिए हमारे करेलों को आधा घंटा हो चुका है और ये देखिए पानी इन्होंने छोड़ दिया है, हमने नमक लगा के रखा था। अब इसको हम निचोड़ देते हैं। ये देखिए हमने करेले निचोड़ के पानी निकाल दिया इसका, और अब हम इन करेलों को हमने यहाँ मैंने स्टीम देने के लिए ये पानी गर्म रखा है और इसके ऊपर चलनी लगा दी है और ये भी हमारी गर्म हो चुकी है और अब हम इसमें करेलों को स्टीम में पकाएंगे, भाप देंगे ताकि ये गल जाए। ये जो हमने मसाले में भी नमक और हल्दी डाल के रखा था इसको भी हम अच्छे से निचोड़ लेते हैं। ये पानी हम फेंक देते हैं, इसको पानी को यूज नहीं करना है। जब तक हमारे करेले स्टीम में पक रहे हैं तब तक हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। और यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे, ये गर्म हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। मैंने यहाँ पे लगभग 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। और अब हम इसको अच्छे से गर्म करेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो अब हमने गैस की फ्लेम बंद कर दी है और तेल को थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद ही हम इसमें मसाले डालेंगे। तेल हमारा अब ठंडा हो गया है, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/3 हींग और यहाँ पे मैं लहसुन और प्याज जो मैंने चॉप किए थे प्याज से जो है हमारे करेले का कड़वापन थोड़ा कम लगता है, क्योंकि प्याज का टेस्ट जो है थोड़ा मीठा आता है, तो इसीलिए ये करेले में भरवा करेले में प्याज जरूर डालें। अगर आप नहीं खाते तो स्किप कर दें, क्योंकि आज मैं जो मसाला बताने जा रही हूँ उसमें बिना प्याज के भी करेले बन जाएंगे। तो अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप कर दें और मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे क्या डालना है। या मैं बिना प्याज वाली करेले भरवा करेले की रेसिपी आगे शेयर करूंगी, आप मुझे कमेंट करके बताएं अगर आपको बिना प्याज वाले करेले भरवा करेले की रेसिपी जाननी है। तो यहाँ पे हमने 2 मिनट के लिए प्याज को फ्राई कर लिया है और ये देखिए थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे जो ये हमने करेले के छिलके और बीज का जो मसाला रखा था इन्हें।
और अब इनको भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे प्याज के साथ। यहाँ पे हमारे मसाला जो ये अच्छे से पक गया है, अब हम इसमें हम अपने सूखे मसाले जो है ये ऐड करेंगे। हल्दी आधा चम्मच, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, दो चम्मच धनिया पाउडर, लगभग दो चम्मच के करीब मैं सौंफ पाउडर ले रही हूँ, एक चम्मच सरसों पाउडर सरसों ले रही हूँ पिसी हुई, आधा चम्मच देगी मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, आधा चम्मच मैं यहाँ पे नमक ले रही हूँ और मसाले को मैं करेले में खट्टापन लाने के लिए मैंने यहाँ पे कच्ची आमी और हरी मिर्ची को दरदरा पीस लिया है, क्योंकि आमी का सीज़न है तो कच्ची आमी बहुत आराम से अच्छे से मिल जाएगी, और अगर कच्ची आमी नहीं है तो आप दो चम्मच आमचूर पाउडर ले सकते हो। और अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले डालते समय ये ध्यान रखना कि गैस का फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए, नहीं तो हमारा मसाला जल जाएगा। और नमक भी हमने पहले जो छिलके और बीज थे उसमें ऐड किया था, तो हमें नमक भी उस हिसाब से ही डालना है। और आप मसाला फिर बनने के बाद में टेस्ट कर लें कि नमक सही है या कम है, तो आप उसमें दोबारा ऐड कर सकते हो। ये लीजिए, ये मसाला हमारा तैयार हो गया है। हमने सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है, और ये देखिए ये कितने अच्छे से ड्राई हो गया है। और चलिए अब हम अपने करेले देखते हैं। ये देखिए करेले भी हमारे स्टीम हो चुके हैं, ये एकदम से अच्छे से गल गए हैं, और हम इनको निकाल लेते हैं और मसाला भर के फिर इनको तेल में फ्राई करते हैं। ये देखिए अब हम इन करेले में मसाला अच्छे से भरेंगे, ऐसे दबा दबा के इस तरीके से करेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा मसाला हो वो इसी तरीके से हम अपने सारे करेले भर लेंगे। ये हमने अपने सभी करेलों को अच्छे से भर दिया है, और ये हमारा थोड़ा सा मसाला बचा है, ये हम करेलों को इस तरीके से धागे से अच्छे से कवर कर लेंगे ताकि ये खुले नहीं। और हमने सिर्फ करेलों को स्टीम में 70% ही पकाया है, पूरा अच्छे से नहीं पकाया है, 15 मिनट ही हमने स्टीम दी थी और 70% ही हमने उनको पकाया था। अब हमारे करेले मसाला भर के तैयार हो गए हैं, तो अब हम उनको फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के लिए मैंने कम से कम 3 टेबलस्पून सरसों का तेल लिया है, और इसको मैं अच्छे से अब गर्म करूंगी। और गर्म करने के बाद जैसे मैं करती हूँ तेल को ठंडा करती हूँ थोड़ा सा नॉर्मल, और फिर हम अपने करेले इसमें फ्राई करेंगे। तो चलिए तेल को हम अच्छे से गरम कर लेते हैं। ये देखिए तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है, और मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी ताकि थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाए, और ये अब थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अपने करेले। गैस की फ्लेम मैंने लो रखी हुई है, और अब हमने करेले डालते हैं, इन सबको अच्छे से हिला देते हैं तेल में, मिक्स कर देते हैं ताकि तेल इनके चारों तरफ लग जाए। ये देखिए ये हमने अपने करेलों को अच्छे से मिक्स हिला के तेल मिक्स कर दिया चारों तरफ से, और अब हम इनको ढककर 2 मिनट के लिए
लो फ्लेम पर पकने देंगे और बीच में हम इनको हिलाते रहेंगे। और ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम इन करेलों को पलट देते हैं। ऐसे ही हम पलट पलट के इनको तलेंगे सरसों के तेल में, ताकि जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए और फ्लेम अपनी गैस की लो ही रखेंगे। और ये देखिए हम चेक करते हैं कि हमारे करेले अच्छे से गल रहे हैं। ये हमने टूथपिक से इस तरीके से देखेंगे, ये देखिए ये हमारे करेले अच्छे से गल गए हैं। अब अपनी गैस की फ्लेम को थोड़ा सा तेज करके और इनको अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि इनके ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो फ्रेंड्स, हमारे करेले अच्छे से पक चुके हैं और लगभग इनको 15 मिनट लगे पकने के लिए। और ये देखिए अच्छे से कलर भी आ गया है। तो अब हम इनको सर्व करते हैं। चलिए अब हम अपनी करेले की प्लेटिंग करते हैं। ये जो हमारा मसाला बच गया था, और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे करेले। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे भरवा करेले बिल्कुल तैयार हैं।